मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग जी? हम लोग अभी अभी उठे हैं, बाहर धूप आ गई बहुत बढ़िया वाली। रात को लेट हो गई इसलिए सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए मीते वस्ती ऐसे हुआ तो दोस्तों अभी भी उठा नहीं जा रहा है। उफ, क्या करिए, उठना पड़ेगा। लेकिन टाइम हो रहा है, आज धाम है यहाँ पे तो उठना पड़ेगा जल्दी से। गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड तो दोस्तों मॉर्निंग रात के 2 बज गए हैं और अब से उठा नहीं जा रहा है। यार। अब तो सुबह हो गई भाई, अब क्या है, दो और बजे ये आचार जी पता नहीं कहाँ से आए। नहीं, मैं इतनी डेडिकेशन को इतनी जल्दी उठ गया हूँ। दोस्तों आज की रसोई मंदिर में ही बन रही है। यहाँ पर खाना बनाने का काफ़ी मज़ा आता है और आज बर्तन भी थोड़े बड़े लगे हुए हैं, खाना थोड़ा ज़्यादा बनेगा। तो आज हमारे हमारी टीम भी थोड़ी बड़ी होगी, यानी कल हम 3 जने थे, आज 4 होंगे। लेकिन ऐसा है कि कल बहुत लेट हो गए थे सारे ही, सबको सुस्ती पड़ी हुई है, आज काम शुरू ही नहीं कर रहे हैं। अभी 10:30 हो गए होंगे टाइम और अभी तक पानी नहीं भरा जा रहा, सिलेंडर आ गया सिलेंडर। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये लग गई है हमारी रसोई और सौरभ भी आ गया है, बहुत ही टाइम का पूरा पक्का है ये बंदा। मित्तू तो चल अभी नींद में ही है, आ तो गया है मित्तू, बस यहाँ आ तो गए लेकिन अभी भी मतलब आधे ही आए हुए। ये यार पकड़ने दो पहले, ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग में करो सिस्सा ही काम। आज हमारी हिम्मत नहीं है, क्यों थक हो गई हमारी। भाई बड़ा जबरदस्त भाई आज। दोस्तों सुस्ती बहुत ज़्यादा छाई हुई है क्योंकि कल रात को सोने को नहीं मिला है ढंग से, सुस्ती काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा है कि रसोई हमारी तैयार हो चुकी है और हो सकता है मेरी शक्ल काफ़ी ख़राब हो क्योंकि धुएं से थोड़ा हो गया है, मुंह भी नहीं धोया है। लेकिन ऐसा है कि काम हमारा ओके हो गया, अब रेस्ट का टाइम है थोड़ा। Thank you.
शनि मैम बढ़िया है। दोस्तों भगवती अंबिका माँ यहाँ से निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी देर पैदल जाने के बाद आगे वो गाड़ी में बैठेंगे और नाव पहुंचेंगे। और सुनने में आया कि नाव में भी प्रोग्राम है आज कुछ, इसीलिए गाड़ी में जा रहे हैं और जल्दी पहुंचना है वहाँ पे। वहाँ भी कुछ देवली टाइप का कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं वो। और हमारा कार्यक्रम तो बस अब सोचो कि अभी शुरू हुआ है खाने का, क्योंकि अभी सिर्फ जो देवलू लोग थे उन्होंने ही खाई और थोड़े बहुत मेहमान होंगे जो खा बैठे हैं, बाकी गाँव वाले और थोड़े बहुत मेहमान बचे हुए हैं वो खाएँगे। अभी हमारी सर्विस चली है बहुत बढ़िया तरीके से। और क्या बताएं आपको, मैं थोड़ा खाना खा के अब सुस्त आ रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो। तो यहाँ बैठेंगे मंदिर की इस तरह से और थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ़ोन वगैरह चलाएंगे यहाँ पर ठंड में, और थोड़ी देर बाद जाएंगे रसोई में। तब तक है बंदे बैठे हुए हैं, खिला रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।